गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, ते आदाब, ते नमस्कार, ते वणकम, ते तुहाडा की हाल है भराओ ते भैनों। मैं हाँ तुहाडा अपना डॉक्टर डॉक्टर नवनीत कर रहा। टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि हम सब लोग आजकल फैशन बन चुका है डाइटिंग का, डाइटिंग का, डाइटिंग का, और वो भी स्पेशली लो कार्ब डाइट, कीटो डाइट। जिम में जाओ तो यही सब है जी, कार्बोहाइड्रेट्स मत खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स मत खाओ। तो आज बताऊंगा आपको कि ये जो इतनी लो कार्ब डाइट होती है, पहले तो बता दूं कार्ब होता क्या है। कार्ब कई तरह के कार्ब होते हैं, सिंपल कार्ब, कॉम्प्लेक्स कार्ब, सिंपल रिफाइंड कार्ब, सिंपल कॉम्प्लेक्स रिफाइंड कार्ब। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हमारी बॉडी को फ्यूल देते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जब कभी बहुत थकान महसूस हो रही है तो मैं ये बोलता हूँ कि थोड़ा सा कार्ब खा लो, एक केला खा के देख लो, है ना, कोई फ्रूट खा लो, तो उनसे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर आप लो कार्ब डाइट पे आ गए हैं, और क्यों लो कार्ब डाइट यूज की जा रही है, ज्यादातर लो कार्ब डाइट यूज की जा रही है वजन कम करने के लिए, वेट लॉस के लिए। तो आज यही बताऊंगा कि ये जो लो कार्ब डाइट होती है इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 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 10% होता है, बाकी सब फैट होता है या प्रोटीन होती है, गुड फैट, ना कि खराब फैट, गुड फैट और प्रोटीन, ठीक है। मैक्सिमम उसमें फैट होता है, मॉडरेट प्रोटीन होती है, और कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 10% होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट। बैड कार्ब शुगर, मैदा, ये सब बैड कार्ब है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम और बाकी चीजें ज्यादा प्रोटीन एंड फैट। पहले बता देता हूं इसके फायदे क्या हैं, लो कार्ब डाइट के फायदे क्या हैं। नंबर एक, वजन कम करती है, नो डाउट। दूसरा, डायबिटीज या प्री डायबिटीज होने के खतरे को भी कम करती है, नो डाउट। और जिनको डायबिटीज है उनको कार्बो, ये लो कार्ब डाइट सूट कर सकती है। तीसरा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है, फास्ट करती है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी कम करती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब आपका वजन भी बढ़ गया, आपको प्री डायबिटीज भी हो गई, आपको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ आ रहा है, आपका यूरिक एसिड भी बढ़ गया है, तो सारी चीजें हो गई हैं, और फिर इसके बाद फिर बड़ी बड़ी बीमारियां लगती हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी ये कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, तो मैंने बता ही दिया इसमें आ गया। ये भी देखा गया कि कैंसर के रिस्क को भी कम करती है, और साथ में जो कुछ लोगों को जो माइग्रेन के पेशेंट हैं या फिर जिनको एपिलेप्सी है, जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो उनमें भी देखा गया कि इसका अच्छा रिजल्ट है। ये तो काफी पहले से प्रूव्ड है कि एपिलेप्सी के बच्चों को कीटो डाइट पे रखें तो एपिलेप्सी का खतरा कम हो जाता है या उनकी सीजर की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। हार्मोनल इम्बेलेंस को भी कम करती है ये जो लो कार्ब डाइट है, ठीक है। अब इसके साइड इफेक्ट भी बता देता हूँ कि ज्यादा लो कार्ब डाइट खाने से नुकसान क्या होते हैं, क्योंकि आपने फ्रूट्स खाने बंद कर दिए, आपने रोटी खानी बंद कर दी, आपने राइस खाने बंद कर दिए, है ना, ये तो कोई इतने खराब कार्ब नहीं थे जिसको आपने बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, एक तो मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, क्योंकि लो कार्ब डाइट खाने से कहीं पर मिनरल डिफिशियंसी हो जाती है, विटामिन की कमियां हो जाती हैं, तो इसलिए मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। दूसरा, डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है। तीसरा, थकान महसूस होती है, क्योंकि फिर बॉडी में एक्चुअली क्या है कि हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को यूज करती है एज ए फ्यूल, एनर्जी के लिए एक जो ईंधन चाहिए होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे तो फिर वो फैट को यूज करेगी, फिर फैट को बर्न करेगी, और इधर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो बॉडी में थकान रहेगी, चक्कर आएंगे, और क्योंकि मिनरल की भी कमी हो गई आपको, और तो बदन थका थका से रहता है, कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम होती है, हेडेक हो सकता है कुछ लोगों को, और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, क्योंकि फाइबर की कमी हो जाती है इस डाइट के अंदर। क्या समझे, समझ में आया? फैशन है कीटो डाइट, लो कार्ब डाइट। और जब फैट बर्न होगा तो उससे किटोसिस होती है, किटोन बनने शुरू होते हैं, और मुंह में से गंदी बदबू टाइप की आने लगती है, जिससे कि आपकी गर्लफ्रेंड भाग जाती है। इसीलिए सोच लिया करो, कुल्ला करके जाया करो लिस्टिन माउथ वॉश से, अब ये तो ऐड हो गया, छोड़ो यार। और मिनरल मैंने बताया कि कमियां आ सकती हैं, विटामिन की कमी आ सकती है और मिनरल की कमी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि डाइटिंग के, जनरली डाइटिंग करने के साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। मैं बहुत ज्यादा डाइट में विश्वास नहीं रखता हूँ, मेरा मानना यह है कि डाइटिंग से ज्यादा मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में विश्वास करता हूँ। और सब कुछ खाओ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ना खाओ। अब एक बाबा जी हैं, उनकी डिप डाइट है, बस फ्रूट फ्रूट खाते रहो सारा दिन, फ्रूट फ्रूट पे लगे रहो, तो उसमें अलग कहानी है। कोई भी डाइटिंग आपको, आपके लिए सही नहीं है कोई भी डाइट। आपको सिर्फ बैलेंस डाइट चाहिए, जहां पे आप सब कुछ खाएं, थोड़ा थोड़ा अच्छा खाएं। और देखो, डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, बस, और कितना खाना है, कब, कहां,
कितना कहाँ, ठीक है, कब कहाँ कितना कैसे, ये इंपॉर्टेंट है डाइट में। तो सब कुछ खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन अच्छा वाला खाएं, बताऊंगा इसके बारे में भी। लेकिन डाइटिंग के साइड इफेक्ट ये होती हैं कि आप, अब आपने कहीं, आजकल बड़ा फैशन आ रहा है जी, एक मील खाया करो, एक मील खाया करो, मत खाओ, एक से ज्यादा मील खाना ही नहीं चाहिए। अबे आधी रात को उठ के बैठ जाते हैं, फिर भूख लगती है, फिर पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, फिर लेट नाइट जो स्नैकिंग होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, और ऐसे लोगों में देखा गया डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। सच बता रहा हूँ, जो लोग लो कार्ब डाइट खाते हैं या डाइटिंग में जो रहते हैं बहुत ज्यादा, उनमें स्ट्रेस, इमोशनल बिहेवियर चेंजेस, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब ज्यादा होता है। मैं आज आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं, उसको याद कर लो। कि एक तो एक रूल मैं आपको बता रहा हूं, रात को आपने जितने बजे खाया है कोशिश तो करें जल्दी खाएं, 6-7 बजे तक खाना अपना खा लें। लेकिन अगर आपको रात को 9 बजे तक खाया है, अगले दिन 9 बजे से पहले कुछ ना खाएं। अगर 10 बजे खाया रात को तो अगले दिन 10 बजे से पहले कुछ ना खाएं। लेकिन जितना रात को आप लेट खाओगे और जल्दी सो जाओगे तो पेट की प्रॉब्लम होगी, गैस बनेगी, एसिडिटी होगा, वजन बढ़ेगा, क्योंकि रात को मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश करें जितना जल्दी खा लें। अब कुछ लोग कहते हैं जी हम तो आते ही घर में इतने बजे, उनकी अलग कहानी है। कुछ लोग को, हमारी तो दुकान का बिजनेस है, तो भैया वहीं ले जा, अगर घर पास में तो जा मंगा ले घर से खाना, जैसे दिन में तुम खाना साथ लेके जाते हो ऐसे रात का खाना भी ले जाओ, क्या प्रॉब्लम है, अगर घर आसपास है तो ले लो। कुल मिला के तो आपको इसका तो वो आपको तोड़ निकालना पड़ेगा। दूसरा, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एक तरह का इंटरमीडिएट फास्टिंग होगी 12 घंटे की, रात को 9 बजे खाए तो सुबह 9 बजे तक कुछ नहीं खाना है। हाँ, चाय वाय पीनी हो तो आप पी सकते हैं, लेकिन पानी खूब पीजिएगा, और कितना, और टीवी देखते हुए कभी मत खाइएगा, उसमें ज्यादा खाया जाता है। ये भी मैं बता रहा हूँ कैसे खाना है, टीवी देखते हुए कभी नहीं खाना, आराम से अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के आराम से खाएं, खड़े होकर भी ना खाएं, हपड़ तपड़ में मत खाएं। एक खाना खाने में आपको 20 मिनट लगने चाहिए, और कहते हैं कि 32 बार चबाना चाहिए। आप 32 बार गिन के तो नहीं चबा सकते, लेकिन धीरे धीरे खाएं, स्लो खाएं, चबा के खाएं। और खाना खाते ही तुरंत पानी नहीं पीना, खाना खाते ही तुरंत लेट नहीं जाना, और टीवी देखते हुए खाना बिल्कुल नहीं खाना। उसमें फिर आप ज्यादा ही खाओगे, आपका दिमाग टीवी में लगा रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही आप खाना खत्म करते हो अपने डाइनिंग टेबल से तुरंत उठ जाओ, स्पेशली अगर आपके साथ और बंदे ही बैठे हैं, और स्पेशली जब घर में गेस्ट आए होते हैं, क्योंकि उस दिन स्वीट डिश भी बनी होती है। आप बैठे रहते हो, फिर आप स्वीट डिश खाते हो, फिर ये करते हो, और बातें करते करते आप ज्यादा खा जाते हो, आपको पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि खाना भी कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट बनता है जब कोई गेस्ट आ जाए तो, क्योंकि इंप्रेशन भी जमाना होता है। घर की पोल खोल रहा हूं मैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब, कुछ लोग सिर्फ 8 घंटे खाते हैं, 24 में से 16 घंटे कुछ नहीं खाते। जितना स्ट्रिक्ट आप फास्टिंग ज्यादा करोगे उतना ही वजन तेजी से कम होता है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि कई बार बहुत ज्यादा फास्टिंग करने से भी लोगों को परेशानी होती है, फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा खा जाते हैं कि जहां पे फिर प्रॉब्लम आती है। इसलिए बोल रहा हूँ सब कुछ खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, और जिन लोगों को पेट की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी रहती है, गैस रहती है, वो हर 3 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें, जुगाली करते रहें जैसे जानवर करता है, एक साथ मत खाएं। एक साथ खाओगे तो ज्यादा खाओगे, ज्यादा खाओगे फिर पेट में गैस, एसिडिटी बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक था आज मेरा, ये क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मैंने बाद में वैसे ही बता दिया, मेन था लो कार्ब डाइट के साइड इफेक्ट। और डाइटिंग देखो, डाइट ऐसी होनी चाहिए जो आप जिंदगी भर फॉलो कर पाओ, ऐसी डाइट नहीं हो जानी चाहिए कि 4 दिन खाया, 5 दिन खाया, 10 दिन खाया, अब डाइटिशियन को पैसे दे आते हैं उसके बाद फिर वहीं के वहीं, तो इसका भी क्या फायदा है कि जब तक डाइटिशियन कराती है तब तक आपका वजन कम हो जाता है, उसके बाद फिर वहीं के वहीं। अबे उसने बात बता दिया है, आप उसको समझ जाओ, लेकिन नहीं, पैसे दिया भी ना तो हमारा वेट कम होना ही नहीं है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। ये थे साइड इफेक्ट और इफेक्ट लो कार्ब डाइट के। बाय बाय। अच्छा, तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, जुमे रात को, हाँ आधी रात को, वही जहाँ कोई ऑटो जोटो नहीं, अब जहां कोई आता जाता नहीं वहां के करूंगा मिलके। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू, बाय, आता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, नौटंकी बाज़।